नमस्कार, स्वाद सेहत और बागवानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मसाला चाय की रेसिपी। मसाला चाय हर घर में प्रिय होती है और इसको बनाने का जो बेस्ट तरीका है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चाय बनाने के लिए हमें एक बर्तन लेना है और इस बर्तन में हमें एक कप पानी डालना है। चाय को पकाने के लिए हम गैस जला लेते हैं। एक टुकड़ा हमने अदरक लिया है, इसे धो लिया है और दो छोटी इलायची इसमें हम डाल के अच्छे से इसको कूट लेंगे। अदरक और छोटी इलायची कूटने के बाद इसको हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। अब अदरक को इस पानी में उबाल आने तक पकाना है। अदरक को अगर हम थोड़ी देर पकाएंगे तो अदरक का अर्क अच्छे से पानी में उतर जाएगा, फिर चाय बहुत ही अच्छी बनेगी। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, अब इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। पानी में अच्छा उबाल आने लगा है, अब इसमें एक कप हम दूध डालेंगे और इसको हम पकाएंगे। चाय बनाने के लिए हमने एक कप पानी और एक कप दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे दूध में भी बना सकते हैं। दूध में अब उबाल आने लगा है, अब इसमें हम चाय की पत्ती डालेंगे। चाय की पत्ती कभी भी पहले नहीं डालना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मात्रा में निकोटीन इसमें पाया जाता है और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इससे हमारा पाचन खराब हो सकता है। चाय की पत्ती सबसे लास्ट में डालनी चाहिए। यहाँ पर हमने एक चम्मच चाय की पत्ती डाली है। अगर आप कड़क चाय पीते हैं तो आप एक से डेढ़ चम्मच चाय की पत्ती डाल सकते हैं और अगर आप नॉर्मल चाय पीते हैं तो एक चम्मच बहुत है। अब आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। चाय को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा ही पका के हम छान लेंगे। इसको अब हम छान लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले शक्कर नहीं डाला था तो शक्कर इसमें अब डाल रही हूँ। कर्क के स्थान पे मैं बूरा शुगर डाल रही हूँ। ये गन्ने का ही रहता है और हेल्दी रहता है। शक्कर आप टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चम्मच शुगर डाल रही हूँ। चम्मच से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाय बिल्कुल तैयार है, इसको हम सर्व कर लेते हैं बर्तन में। तो चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए तैयार हो जाइए। चाय बिल्कुल तैयार है और आप इसे इंजॉय करिए। ऐसे ही स्वादिष्ट और हेल्दी डिश पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाय बनाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि चाय की पत्ती आप पहले मत डालें और उसे ज़्यादा उबालें ना। चाय की पत्ती बिल्कुल लास्ट में आप डालें। आप अदरक बाकी चीज़ दूध डालने के बाद लास्ट में इसे डालें और एक मिनट पका के फिर इसे छान लें।